उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी 21 नवंबर 2014 को स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के सलाहपुर ग्राम पंचायत में ऊषा सहित 9 मुसहर परिवारों को समाजवादी पेंशन न बनने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह परेशानी है कि न पेंशन बनी है, लाग है, न राशन कार्ड बना हुआ, 4-5 बच्चे हैं, मजदूर आदमी ही, कैसे पेंशन लग जाए तो कुछ सहारा हो जाए। आँखें खराब है एक लड़के के, ऑपरेशन ना करा पाओ तो पैसे के नाते जमन कमाते हैं, खाइन भरे को पैसे बचत होते ही नहीं, कैसे ऑपरेशन कराए। लड़की स्कूल ना जाते हैं, कापी किताब ना आने, केहू काम ना आने, केहू कापी किताब ना आने, केहू पढ़ाई लिखे कुल परेशानी बैठे। यही परेशानी है, पेंसिल लागे चाहिए गाँव देश में, मैं इतना परेशान है कि कम से कम पेंशन तो ला गई। पेंशन मिले से का फायदा हो आपका? लड़के बच्चे पढ़ाओ, राशन फासन ना मिले तो है, वो का कुल खरीद खियाओ तो और का कैसे करते। तो इनके पेंशन के लिए, इनके पेंशन के लिए सोचता है इनका सही पेंशन लग जाए। हम ये चाहता है जो है गांव की जितनी औरतें हैं सलाहपुर में जो लागत है जो रह का है तो उनका ही पेंशन लागे चाहिए। बहुत परेशान महिला हैं जान ले ही गाँव। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन लोगों को जल्द से जल्द समाजवादी पेंशन लगे ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9491596094 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि इन 9 मुसहर परिवारों का समाजवादी पेंशन बन सके। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।